हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी नेल पेंट, हेयर पिंस एंड ज्वेलरी जो भी मेरे पास है, उन सब की कलेक्शन। तो वीडियो में बने रहे क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पूरी वीडियो में बने रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट कलेक्शन है हमारे पास ये वाली, मतलब ये वाली बास्केट। इसमें देखते हैं क्या क्या है। पहले तो है हमारे पास इसमें बहुत सारी नेल पेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है ये, लेकिन इसमें से मैक्सिमम है वो सूख चुकी है। ये है हमारे पास, ये इशिता को मिली थी बर्थडे पे। और ये है, देखो बर्थडे पे भी कैसे कैसे गिफ्ट्स मिलते हैं। ये है ब्लैक में, ये पता नहीं मैंने कितनी सारी सेम कलर की नेल पेंट्स ले ली है। ब्लू है, ये है शाइनर, ये ख़त्म, वैसे तो मैक्सिमम इसमें ख़त्म ही हो चुकी है सारी नेल पेंट्स, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। खाली होने लगी है, शीता सारी लगा देती है ना, मेरी बहन है जो रहने देती है ना ढंग से। और एक ये है, ये भी शाइनर जैसा है। इस तरीके में मेरे पास बहुत सारी नेल पेंट्स है। और ये है वाइट कलर, मतलब कलेक्शन तो वैसे मेरे पास मैक्सिमम कलर्स तो है ही है। ये पता नहीं किसने दिया, ये वाली मैंने तो नहीं खरीदी है। ये है, और ये कलर मेरे को बड़ा प्यारा लगता था, पर ना ये गलत आ गया। ये कलर मेरे को ये चाहिए था, ये थोड़ा लाइट आ गया इसमें ना। और ये भी सिमिलर सा ही है इसके, ये शाइनर। और ये तो पता नहीं मम्मी को दी है किसी ने। फिर ये आ गई हमारे पास, और ये भी आ गई है, और ब्लैक भी है, ब्लैक कलर भी है इसमें। और है एक ये ब्लू, ये ना एक बारी जो ये वाला कलर है ना, मैं एक ये वाला कलर लेके आई थी एक बारी ना, और बेड से गिरा ये और सारा नीचे कुछ करके। बस इतनी है नेल पेंट्स तो मेरे पास, और नहीं है इसमें। और फिर है मेरे पास ये हेयर बैंड, बचकानी हरकत है मेरी, ये तीन हेयर बैंड है मेरे पास। और ये जैसे कि आप ये देख सकते हो हेयर बैंड, इनका तो पता नहीं क्या बन गया, ये कब की तरह कितने सालों पुराने हैं मेरे पास। और ये भी लेके आई थी मैं, बाकी ये है, ये है और आई पैलेट, जिसमें से मैं तो लगाती हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ मैं, रख देते हैं ऐसे। बाकी ये है, ये सब जो कि मुझे यूज़ करना है। और ये भी है कुछ आईलाइनर, मस्कारा, और ये काजल वगैरह। ये है, और ये कुछ ब्रशेस भी हैं इनके, ये भी है, और ये एक और आईलाइनर, और ये सीरम, और ये फाउंडेशन, और ये भी मैं कभी कभी मतलब सूट वगैरह पहनती हूँ तो मैं ये भी लगा लेती हूँ, मेरे को अच्छी लगती है लगानी छोटी छोटी भी। बस यही है कलेक्शन, देख सकते हो आप। और ये पता नहीं क्यों ली थी ये वाली नेल पे, सॉरी लिप कलर, पता नहीं मेरे कौन सी आत्मा आई थी। तो ये सारी थी इस वाली बास्केट की कलेक्शन, और इसमें थोड़ा सा ऐसे वेस्ट जैसा सामान है, ये कुछ दिखाने लायक नहीं है। तो ये था सारा इस बास्केट में। सो ये था पूरी बास्केट में जो भी सामान था। तो आप देख सकते हैं मेरी ये वाली कलेक्शन। सो सेकंड बॉक्स है हमारे पास ये वाला। मैं सारे बॉक्सेस यूटिलाइज कर लेती हूँ क्योंकि क्या करना है, इन्हीं डब्बों में रख सकते हैं हम बाकी सामान, फेंकने क्यों। तो ये है हमारे पास सेकंड बॉक्स, इसमें मैंने रखी अपनी क्या कहते हैं हेयर एक्सेसरीज। तो आपको दिखाती हूँ एक एक करके, ये टैंगल हो चुके एक दूसरे के साथ। सो ये है हमारा हेयर एक्सेसरीज वाला बॉक्स। तो ये है हमारी पिंस, देख सकते हैं आप, ये तो मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, ये गंदी भी हो गया थोड़ी। ये है क्लेचर टाइप्स हेयर को टाई करने के लिए, कि ये है पिंस, ये है क्लेचर, ये भी ये इशिता के हैं बचपन के,
सूरज वाले। और ये बड़ा प्यारा सा है, वैसे हम ले लेते हैं और ये लगाते हैं नहीं बालों में। ये भी बहुत पुराना है, कम से कम जब मैं 8th क्लास में थी तब का, अभी तक संभाल के रखा है मैंने, देखो। और एक ये है सेम फालतू में लिए मैंने चीज़े। और ये पेंस, ये बड़ी प्यारी प्यारी सी पेंस है। ये मैंने ना पूरा एक वो पूरा पैक मंगाया था एक, जिसमें थी कम से कम 9 पेंस थी एक में। और ये है बाकी, ये है वो वाली, ये रेड वाली मैंने आज तक नहीं लगाई है कभी भी, और ना ये वाली, ये तो मैंने लगाई है स्कूल को, सॉरी यूनिवर्सिटी को। और एक है ये स्टार वाली, कितनी प्यारी सी है ना। और ये तो पता नहीं क्यों है, ये बड़ी अजीब सी पिन है मुझे नहीं पता ये कैसी है, मैंने कभी नहीं लगाई है। और एक ये, और बाकी ये भी है। और ये ना मैं एक दिन बालू भी तो है यार, क्यों कर रही है ऐसे पागल जैसी। और ना ये क्या कहते, अगर ये बीच में ख़राब हुई होगी ना वीडियो तो तेरी बजेगी। और ये ना एक बार मैं नानी के घर गई थी तो डॉली दी थी मुझे, उसको वापस करनी है उसकी बेचारी की पिंस, तो ये भी मैंने संभाल के रखी है। और ये भी बचकानी हरकतें हैं यार गाइस, देखो ज़रा कितनी ये वाली पिन। और ये मैंने अपने बर्थडे पे ली थी इस बारी। बाकी ये हैं, ये भी है, और ये भी है, ये भी है, और ये एंड दैट्स द एंड। तो आप देख सकते हैं ये वाली पिन की कलेक्शन है मेरे पास सारी, और जो भी है यही है बस अब। सो ये है मेरे पास 2 बॉक्सेस, इसमें है हमारी क्या कहते हैं ईयरिंग्स, तो उसकी कलेक्शन है, एक में है सिल्वर एंड दूसरे में है हमारे पास गोल्ड। तो अब आपको दिखाते हैं कौन कौन सी कलेक्शन है हमारे पास। सो पहले है हमारे पास ये सिल्वर वाली ज्वेलरी, तो ये है मेरे पहले वाले ये वाले ईयरिंग्स, तो ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाकी है ये मैंने अभी लिए थे, मेरे भैया की मैरिज थी उन पर लगाए नहीं थे। और ये वाले भी अभी लिए थे, चाचू की मैरिज थी जब, तो ये वाले लिए थे। और ये है इशिता के, अरे ऑनलाइन मंगाए थे, ये हमने ऑनलाइन मंगाए थे। और ये पता कितने सारे आए थे, एक ये भी आया था इसके साथ, और भी थे 2, पर वो इसमें है नहीं, पता नहीं कितने आए। ये हमने ऑनलाइन मंगाए थे, ये रहे। और ये भी है मेरे पास एक, ये सिमिलर है ये दोनों, देखो आप देख सकते हो ये और ये, तो ये मैंने अलग अलग ली है। और गाइस आपको एक सबसे ख़तरनाक ईयरिंग दी हूँ, मैंने पहने नहीं है कभी लेकिन मैंने लिए थे। और ये मैंने पता भी कितने सस्ते लिए, शायद 20 या 50 के थे ना ये, 50। हाँ, और ये लेकिन फंस चुके हैं इसमें, और ये निकाल इसका तो हो गया काम तमाम। गाइस ऐसे देख लो आप, ये फंस चुके हैं, और मैं ज़्यादा करूँगी ना तो ये टूट जाएंगे। और एक है ये वाले, इसका साथ का टाइम, ये हमारी बुआ एक उन्होंने दिए थे बर्थडे पे इशिता को, ये तेरे को दिए थे ना इशिता, ये वाले तेरे को दिए थे वो, ये वाले मेरे को दिए थे, और ये वाले इशिता को दिए थे, ये भी सिल्वर वाले दोनों। और फिर है हमारे पास ये, जब मेरी बुआ की शादी थी तब लिए थे मैंने ये। कब थी मनु बुआ की शादी, कौन सी क्लास में थे हम, 2018 मतलब जब मैं 10th क्लास में थी तब। ये वाले ये भी बड़े प्यारे हैं। एक ये वाले हैं, ये मुझे गिफ्ट मिले थे, ये वाले, ये भी प्यारे से हैं। और एक ये भी है, लेकिन ये मैंने गिफ्ट ही मिले थे ये, लेकिन मैंने पहनी नहीं, ये टूट चुके हैं। और बचपन में ना पहले पहन रखते थे मैं ऐसे ऐसे, दिख मैं तो कभी नहीं पहनी, ये अच्छे हैं लेकिन ड्रेस वगैरह के साथ पहन सकते ठीक से हैं, बाकी तो यही है। और एक ये इन्हीं की तरह, ये देख सकते हो आप, ये छोटे छोटे हैं, और ये थोड़ा इनका बड़ा वाला साइज, ये है हमारे पास। और ये भी बड़े प्यारे से, ये मैंने इस बार पहने थे अपने बर्थडे पे ड्रेस के, है ना कितने प्यारे से, ये इन्हीं के साथ के है ना, ये अलग लिए थे तुमने, ये मैंने लिए है, ये अलग लिए थे इसने। और बाकी ये भी हैं सिंपल से, ये मैंने अपनी एक फ्रेंड है उसके साथ लिए थे एक बार ही।
तो ये है सारी हमारी सिल्वर वाली ज्वेलरी की कलेक्शन एज यू कैन सी. तो दैट्स ऑल. अब आपको दिखाते हैं गोल्डन वाली. तो आपको दिखाते हैं अपनी गोल्डन ज्वेलरी वाली कलेक्शन. सो हेयर इट बिगिंस. सो अब यहाँ से शुरू करते हैं. ये है हमारे पास ब्लू कलर के. ये मैंने लिए थे बहुत पहले, मेरे को याद नहीं है, प्लस वन की बात होगी. ये जब मेरी फेयरवेल थी प्लस टू में तो तब लिए थे साड़ी के साथ पहनने में. और ये तो अभी लिए हैं जस्ट जब मेरी सिस्टर की वेडिंग थी. तो ये बड़े प्यारे से हैं ना, सुंदर से हैं. ये मैंने उसके साथ पहने थे, शरारा वाला सूट था उसके साथ. और ये इशिता के हैं, ये वाले ये इसने लिए थे जब हम चाचू की शादी थी ना उस टाइम. तो ये भी बड़े प्यारे से. भैया की शादी? कौन से भैया की? कब की है ये? हाँ पहले की है, जब ब्लू कलर का लहंगा लिया था. और ये भी शिका के हैं क्योंकि ये लिए थे इसने, ये लिए थे तूने भैया की शादी पे वाइट वाले सूट के साथ. सो ये हैं. और ये भी है, ये बहुत कितने प्यारे से लगे थे मेरे को. मैं शिता के लिए लेके आई थी ये वाले बहन की शादी में पहनने के लिए ना, येलो सूट के साथ. अब मैं पहनूँ इनको कभी येलो सूट लेके. ये भी बड़े सुंदर से हैं. सो नेक्स्ट है हमारे पास ये बुआन दिए थे वो वाले. ये किशर दिखे खुद ले नहीं, ये मन सॉरी मीनू बुआ है ना. एक बार ये हम उनके घर गए थे तो वहाँ मेला था तो उन्होंने हमारे को लेके दिए थे ये वाले. और ये तो ये हेयर में लगाने का. और ये मैंने कल शादी में पहने थे, ये बड़े प्यारे लग रहे थे सिंपल से. ये इशिता के ही हैं, ये भी इशिता के ही हैं, ये भी इसने लिए थे अपनी फेयरवेल पे प्लस टू में. तो ये हैं. और यार गाइज ये के वाले हैं, मैंने सबसे पहले जो इयर रिंग्स लिए थे ना वो ये थे, लेकिन इसका मेरे को मिल नहीं रहा है, दूसरा तूने घूम कर दिया था. और एक ये है मेरे, बहुत सारी इयर रिंग्स है पता नहीं क्यों खरीदने हैं हर शादी में. एक ये वाले और ये लिए थे मैंने चाचू की शादी थी जब किटी चाचू की उस टाइम के आई पता है को, पिंक वाले सूट के साथ जो मैंने कल सूट पहना था वही वाला. और एक ये वाले किटी चाचू की शादी के टाइम लिए थे, नाइन्थ क्लास में थे जब हम. ये मेरे थे और इशिता के तो बहुत ही फनी वाले थे. नहीं, ये थे तेरे चल मिल गए थे उस टाइम, मेरे को चॉइस करनी. ये नहीं थे ये वाले थे तूने उसके साथ. ये देख सकते हो दोस्तों, और इसने पहने भी थे ये वाले. इतना. और एक ये है इनके, यार ये ऊपर से टूट चुके हैं. हम पता क्या करते हैं, जो ये वाली इयररिंग्स है ना, मतलब ये वाले इयररिंग्स है ना जो ये वाले, ये इशिता के हैं. तो जो हम ये ना ऐसे निकल जाते हैं तो हम इसको कभी इसमें डाल के कभी इसमें डाल के इनको पहन लेते हैं, क्योंकि इसके जो ये ना जो ये वाले हैं वो इस तरह में थे, वो टूट गए थे तो मैंने फिर ऐसे कैसे पहन लिए. और एक ये वाले हैं इसके साथ में, ये भी मैंने गिनी भैया की शादी के टाइम लिए थे सूट के साथ पहने. ये भी बड़े प्यारे से प्यारे नहीं है प्यारे थे. और ये तो तेरे को दिए थे ना आंटी ने. कौन आंटी? वो पाँच ऑफिस के सामने जो काम करते थे. क्यों? सूट वाली दुकान थी जिनकी, उन्होंने दिए तेरे को ये. क्यों है? हाँ. और ये देखो, ये देखो कितने प्यारे से चिड़िया वाले. मेरे हैं ये, चीनू बुआ ने दिए. ये चीनू बुआ है हमारे, एक ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने दिए थे, वो लेके आए थे हमारे लिए प्यारे से क्यूट से. और ये हनी भैया ने दिए थे. सो ये हैं ये वाले, एक ये वाली इयर रिंग्स हैं. और ये किसका था? नैन्सी दीदी का है. इसका मोती भी टूट गया. ये मेरी सिस्टर है, उसका था ये, मैंने हम लगाया था शायद शादी पे लगाया था ना, पता नहीं. और ये एक बारी मैंने ये लिए थे लेकिन ये इनका कलर फेड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गए, ये अजीब से हो गए ये तो. और ये कौन लाया था तेरे को? ये हमने खुद ही लिया था, तेरी पसंद है ऐसी, मैं तो लिखती हूँ चीजें.
ये इशिता की पसंद देख सकते हो। अरे ये पहले ऐसे ही होते थे, पहले इसको ऐसे पसंद आते थे नहीं। और यार इसका तो मेरे को मिल ही रहा है, ये बड़े प्यारे से थे। और यार ये देखो तो मैंने मिलने से लिए थे, 50 के थे ये, 50 के। ये देखिए कितने बकवास है ये, अच्छे है ये नहीं। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छी सी आप ड्रेस पहनो उसके साथ, ये अच्छे लगेंगे। तो ये थी हमारी सारी गोल्डन वाली ज्वेलरी की कलेक्शन। तो आप बॉक्स देख सकते हो, ये हो चुका है खाली, और ये सारी थी मेरी ये वाली ज्वेलरी। तो ये थी हमारी सारी कलेक्शन, मतलब मैंने आपको दिखा दी नेल पेंट एंड हेयर एक्सेसरीज जो भी थी, और ये इयररिंग्स, ये हैं हमारी गोल्डन, और ये सिल्वर वाली मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। तो हम अपना सामान बहुत संभाल के रखते हैं क्योंकि पैसे लगे हैं भाई, तो वेस्ट तो करनी चाहिए चीज़ें। तो देख लो कितने पुरानी पुराने टाइम की पड़ी हुई है, कम से कम 9th क्लास की भी हमारे पास पड़े हुए इयररिंग्स, कम से कम 7 साल पुरानी चीज़ संभाल के रखी है मैंने। शिका हंस रही है मेरे को देख के, कैसी बकवास बातें करती हूँ मैं। तो यही है बस, अपने संभाल के रखनी चाहिए चीज़ें। तो दैट वॉज ऑल अबाउट माई कलेक्शन। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वीडियो स्किप ना करते हुए अच्छे से देखी होगी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और ऐसे ही बने रहें और अपना सपोर्ट करते रहें मुझे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।